इंदौर शहर में 10 दिनी गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जहां अलग अलग जगहों पर ठाट बाट से भगवान गणेश जी की प्रतिमा विराजित करने के पूर्व चल समारोह निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के भावी मोहल्ले से परंपराओं को कायम करते हुए श्री भैरव भावनी गणेश उत्सव समिति के द्वारा इस बार भी 25 फीट की भव्य आकर्षक प्रतिमा 10 दिन के लिए विराजित होंगी। जहां आकर्षक पंडाल में प्रतिमा विराजित होने के पूर्व वही मोहल्ले से राजवाड़ा तक समिति द्वारा भव्य चल समारोह निकाले गए, जिसमें बड़ी संख्या में गणेश भक्तों ने मौजूदगी दर्ज करवाई। वहीं इस चल समारोह में अमरोल से आए 70 लोगों के ढोल ताशे और बैंड की टीम ने समा बांध दिया। आयोजन समिति के भीमगढ़ और मनोज कल्याणी ने बताया कि वित्त करीब 12 साल से वह इस उत्सव समिति के माध्यम से गणेश उत्सव मना रहे हैं। 10 दिनों तक कई तरह से सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन भी होंगे। अमरोली से आए हम, टोटल हमारे 70 लोगों की टीम आई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा तीसरा प्रोग्राम है, आज शाम में चौथा प्रोग्राम है। इंदौर का एमपी के लोगों का बहुत प्यार मिलता है हमें यहाँ पे, हम कंटिन्यू 7 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। आपको यहाँ पे किसने बुलाया है? ये हमारे गौड़ भैया है, हर्षल गौड़, जो यहाँ पे रहते अपने बोल मोहल्ले में रहते, वो हमें 7 साल से बुला थे। सबसे पहला वादन हमने उनका ही किया था, जो भोई मोहल्ले के जो राजा बैठा थे ना, उन्होंने बुलाया था हमें यहाँ पे। हर साल स्पेशल अपन गणेश चतुर्थी पे बजाते हैं? नहीं, हमारा जो तो प्रोग्राम है ये सामाजिक और धार्मिक कामों में आता है, जैसे माता जी के इसमें, कृष्ण भगवान के इसमें, सिर्फ भगवान के कामों से सामाजिक काम, बाकी अगर हम शादियों के इसके कोई भी काम नहीं करते इसमें। अभी हमारे टोटल यहाँ पे 70 लोगों की टीम आई है। हाँ, आपका पूरा नाम? मेरा नाम पवन शर्मा है, और मेरी जो बाकी पूरी टीम है, बाकी अब रामराजे नाम से हमारे टीम का पूरा नाम है। भोई मोहल्ले की है, 24 से 25 फीट की मूर्ति है। कितने सालों से बिठा रहे हैं? मैं 12 साल से बिठा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? ये जुलूस राजवाड़े जाएगा, फिर वापस घूम कर आके भोई मोहल्ले जाएगा, भीमगढ़। ये हमारा भाई भीमगोड़ है, और ये विगत कई सालों से गणपति जी का इतना ही बड़ा, बहुत बड़ा उत्सव करते हैं। हमेशा इनकी मूर्ति इंदौर में आकर्षण का केंद्र रहती है, हमेशा मतलब इंदौर में लोगों को इन्होंने बताया बड़ी मूर्ति कैसे बैठी जाती है। हर साल ही अच्छी बड़ी से बड़ी मूर्तियों का निर्माण करवाते हैं, और स्वयं के खर्चे पर पूरा कार्य करते हैं। कितने फीट की मूर्ति है ये? करीब करीब ये हर साल ही, मतलब हर साल मूर्ति का फीट बढ़ता ही जाता है भाई साहब। कौन सी संस्था है? श्री भैरव भवानी गणेश उत्सव समिति है ये। कितने वर्षों से? 12 साल से बिठा रहा है कम से कम। मैं मनोज कल्याण, भीम भाई का छोटा भाई हूँ।